नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में जिनका हमने नाम दिया है इनसे मिलिए, उसमें आज हमारे साथ राजस्थान से और राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक प्रख्यात लेखिका हैं। उन्हें सिर्फ लेखिका कहना ही पर्याप्त नहीं होगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत अर्थपूर्ण लिखती हैं। वो लिखना भर काम नहीं है, लेकिन अर्थपूर्ण लिखना एक बड़ी बात हो जाती है। तो शोभा चंद्रा पारिक साहब आज हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि अपनी प्रतिनिधि गतियों से हमें लाभान्वित करें। तो आज आपके सम्मुख हैं शोभा चंद्रा जी पारिक साहब। काफ़ी लंबे अरसे से दिख रही हैं, लेकिन सामने आने से पता नहीं क्यों पर्देदारी है। आज हमारा आग्रह मान लिया उन्होंने, हम आभारी हैं इनके। तो आज सभी श्रोताओं के साथ शोभा चंद्रा जी आपके सम्मुख हैं अपनी गजलों के साथ। आदरणीय शोभा जी नमस्कार। अशोक जी, सभी सुनने देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी सुखी श्रोताओं को माँ के चरणों में नमन। आपने बहुत सारी इतनी सारी पढ़ाई कि मुझे बहुत संकुचित है, पर ठीक है, जैसा जो लिखा है आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, शब्द पुष्पों के रूप में समर्पित करती हूँ। पहले चार पंक्तियां मातेश्वरी के चरणों में दुआया कथा के रूप में, कि शोभा को तेरी शान बढ़ाने का हुनर दे, शोभा को तेरी शान बढ़ाने का हुनर दे, रोते हुए इंसान को हंसाने का हुनर दे। इंसान को शैतान बनाते हैं हजारों, शैतान को इंसान बनाने का हुनर दे, शोभा को तेरी शान बढ़ाने का हुनर। माँ को प्रणाम के साथ ही, क्योंकि मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसलिए चार पंक्तियां मेरी बहनों के नाम, इस देश की सभी माताओं बहनों बेटियों के नाम। देखिएगा उनके व्यक्तित्व को इन चार पंक्तियों में बांधकर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कि गर प्यार से छुओ तो एक मीठा राग हूँ, गर प्यार से छुओ तो एक मीठा राग हूँ, इस गोद में जो आओ माँ का एक त्याग हूँ, इस गोद में जो आओ माँ का एक त्याग हूँ। जो जुल्म की आते हैं बनके एक दास्तां, जो जुल्म की आते हैं बनके एक दास्तां, उन जालिमों के वास्ते मैं एक आग हूँ, उन जालिमों के पास दे मैं एक आग हूँ। घर प्यार से मीठा राग हूँ। सभी को नमन करती हूँ और सफर आगे ले जाना चाहते हैं आज के बच्चों के नाम, आज की हमारी युवा पीढ़ी के पंक्तियां देना चाहूंगी, उनकी हौसला अफजाई की जुल्मात से उठो के उजाला कर, दौरे जुल्मात से उठो के उजाला कर दो, अपनी किस्मत के सितारों को दुबाला कर दो, अपनी किस्मत के सितारों को दुबाला कर दो, अपने हालात से जो लोग दबे जाते हैं, अपने हालात से जो लोग दबे जाते हैं, ऐसे जर्रों को बिछाओ तो हिमालय को, ऐसे जर्रों को बिछाओ तो हिमालय को। ये छोटी छोटी बातें। और जब हम हमारी जात की बात करते हैं तो फिर उसके भीतर छुपी उस पीड़ा को, उस प्यार को भी आपके समक्ष लाना चाहूंगी। तो देखिएगा चार पंक्तियां इसी हवाले से। हम ही हैं जो फुहारे बन के सावन की बरसते हैं,
हम ही है जो फुहारे बन के सावन की बरसते हैं, हम ही रंग बन के फागुन का दिलों में मस्ती भरते हैं। समंदर प्यार का हम ही है लेकिन क्या बताएं अब, जरा सी बूंद भर को हम ही सदियों से तरसते हैं, जरा सी बूंद भर को हम ही सदियों से तरसते हैं, हम ही है जो ये। एक गजल के चंद अशआर। अभी हाल ही में मेरा एक मजमुआ गजल संग्रह निकला है, मचल गया आंसू के दिल। मैं सभी सुनने वालों से सामईन से के नजर करती हूँ ये गजल चंद अशआर, मतलब पेशे खिदमत है, देखिएगा। गम की सूरत बदल गए आंसू, गम की सूरत बदल गए आंसू, गम की सूरत बदल गए आंसू, मुस्कुराहट में ढल गए आंसू, गम की सूरत बदल गए आंसू। और शेर देखिए, बता रहे खास, बहुत नाजुक सा शेर दे रही हूँ मैं, आप तक पहुंचा रही हूँ। एक मुद्दत से खुश्क थी आँखें, एक मुद्दत से खुश्क थी आँखें, उनको देखा मचल गए आंसू, उनको देखा मचल गए आंसू। मेरे मजमुए का नाम भी मैंने इसी शेर में से मचल गए आंसू रखा है, आपको बताना चाहूंगी। जी, थैंक यू। और बतौर खास शेर देखिए। शाम होते ही रोशनी के लिए, शाम होते ही रोशनी के लिए, शमा बन बन के जल गए आंसू, शमा बन बन के जल गए आंसू। और फिर एक नासुसा शेर आप तक पहुंचना चाहते हैं। कि जब्त गम पर थे हम बहुत नाज़ा, जब्त गम पर थे हम बहुत नाज़ा, हाय लेकिन ये छल गए आंसू, हाय लेकिन ये छल गए आंसू। शेर देखिए। राज खुल जा को सलाम, शुक्रिया कि राज खुल जाए ना जमाने पर, राज खुल जाए ना जमाने पर, बहते बहते संभल गए आंसू, बहते बहते संभल गए आंसू। वर्षे देखिए। उनकी आंखों में भी सरे महफिल,
काफी की दाद चाहूंगी यहाँ पे, देखिएगा अशोक जी कि उनकी आंखों में भी सरे उनकी आंखों में भी सरे बन के मेरी गजल गए बन के मेरी शुक्रिया बन के मेरी गजल गई आंसू गम की सूरत जी इतना ईमानदार होना नहीं है मैं कह रहा हूँ इतना ईमानदारी जी इतना ईमानदार होना ठीक नहीं है पर क्या करें अपनी तो फितरत ही ऐसी है और देखिए इस फितरत का ये आखिरी शेर यानी मक्ता पेशे खिदमत है किस तरह छोड़ दे इन्हें शोभा किस तरह छोड़ दे इन्हें शोभा आंखों आंखों में पल गए आंसू आंखों आंखों में पल गए आंसू हाय लेकिन ये छल गए आंसू बहते बहते संभल गए आंसू उनको देखा मचल गए आंसू बहुत अच्छे बहुत सुंदर आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जरा नवाजी का इस हौसला अफजाई का लीजिए एक गजल के और चंद अशआर आप तक पहुंचाने के बेहतर अल्फाज में कहना चाहूंगी कि ये दौरे सियासत का नया तर्ज वफा ये दौरे सियासत का नया तर्ज वफा है पत्थर जो अभी आके मेरी छत पे गिरा है ये दौरे सियासत का नया तर्ज वफा है पत्थर जो अभी आके मेरी छत पे गिरा है और शेर देखें कि मुमकिन है किरण फूट पड़े आपके घर में मुमकिन है किरण फूट पड़े आपके घर में जलता हुआ रहने तो किसी घर का दिया है जलता हुआ रहने तो किसी घर का दिया है क्यों आपकी आंखों से निकल आए हैं आंसू क्यों आपकी आंखों से निकल आए हैं आंसू मैंने तो तबाही का फकत जिक्र किया है मैंने तो तबाही का फकत जिक्र किया है लीजिए एक एक और खानवादे की एक और तरीके गजल आप तक पहुंचाना चाह रही सुनाइए गजल सुन के मायूसी तो नहीं हुई कि किसे इनवाइट कर लिया ऐसा कुछ नहीं जी लीजिए एक और गजल आप तक पहुंचाएं अब सितम भी तेरे रास आने लगे अब सितम भी तेरे रास आने लगे दिल जो टूटा तो हम मुस्कुराने लगे दिल जो टूटा तो हम मुस्कुराने लगे अब सितम भी तेरे रास आने लगे शेर देखिए बता रहे खास कम नहीं थे जमाने के जुल्मो सितम कम नहीं थे जमाने के जुल्मो सितम आप भी अब हमें आजमाने लगे आप भी अब हमें आजमाने लगे अब सितम भी तेरे
रास आने लगी। और आज की पीढ़ी के नाम ये शेर नज़्र करती हूँ कि 100 जन्म साथ देंगे कहा हाँ मगर। पहले दिन 100 जन्मों की बातें होती हैं और दूसरे दिन क्या होता है देखिएगा। 100 जन्म साथ देंगे कहा था मगर 2 कदम पे ही वादा भुलाने लगे। 2 कदम पे ही वादा भुलाने लगे। अब सितम भी तेरे रास आने लगे। हाथ तेरा रहा हाथ में जब तलक। हाथ तेरा रहा हाथ में जब तलक। तपते सहरा के रास्ते सुहाने लगे। तपते सहरा के रास्ते सुहाने लगे। और शेर देखिएगा बता रहे खास। किस्साए गम सुनाने पे आऊं अगर। किस्साए गम सुनाने पे आऊं अगर। एक पत्थर भी आंसू बहाने लगे। एक पत्थर भी आंसू बहाने लगे। अब सितम भी तेरे रास आने लगे। और प्यार के लिए एक नाजुक सा शेर देना चाहूंगी। क्या होता है हम सब इस रास्ते से गुजरे हैं। मेरा मानना है हर कहीं कहीं ना कहीं किसी की टकराहट प्यार से हुई होगी जिंदगी में। तो जरा वक्त पीछे पलटिए और जरा उस चीज का आनंद लीजिए, उस शेर का आनंद लीजिए। नींद पर भी मेरी हक उसी का हुआ। नींद पर भी मेरी हक उसी का हुआ। याद आए तो पहरों जगाने लगे। याद आए तो पहरों जगाने लगे। अब सितम भी तेरे रास आने लगे। और देखिएगा शेर बहुत खास शेर दे रही हूँ, अब तक पहुंचा रही हूँ। मेरे ख्याल से गुर्बत सभी समझ सकते हैं। गुर्बत का अर्थ नजदीकियों से। गुर्बतों का मुकद्दर तो देखो जरा। गुर्बतों का मुकद्दर तो देखो जरा। फासले फासलों को मिटाने लगे। फासले फासलों को मिटाने लगे। गुर्बतों का मुकद्दर तो देखो जरा। फासले फासलों को मिटाने लगे। अब सितम भी तेरे रास आने लगे। और बतौर खास तंजिया लहजे में इसका मकता हुआ है, आपका ध्यान चाहूंगी अशोक जी। कितनी शिद्दत से चाहा है शोभा में। कितनी शिद्दत से चाहा है शोभा में। बारहा रूठ कर वो जताने लगे। बारहा रूठ कर वो जताने लगे। अब सितम भी तेरे रास आने लगे। फासले फासलों को मिटाने लगे। याद आए तो पहरों जगाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी।